जन्मोत्सव पर प्रदर्शनी के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के इंदौर स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा वैष्णव ट्रस्ट धर्मशाला बियाणी गार्डन परिसर बेकमा में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, स्वच्छता और महात्मा गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा पर आधारित छाया चित्र की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में लोक कलाकार, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की भरपूर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को मधुकर पवार, सहायक निदेशक क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार इंदौर द्वारा आयोजित किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शनी के दौरान गांधी जी के जीवन का चित्रण प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया। इस प्रदर्शनी में कई स्टॉल भी लगाए गए। वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भी घर से बनाए गए खाद्य सामग्री के स्टॉल के साथ लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में बेकमा के समाज सेवी रामनिवास दाऊ का सांसद द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार पूरी रियासतों को एक किया, बहुत मुश्किल था कि पूरी इतने सारे 356 550 रियासतें थी, तो इतनी रियासतों को एक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। 50वीं जयंती पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी महोत्सव मनाई जा रही है, उसके अंतर्गत कार्यक्रम है। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से पूरे देश की रियासतों को एक करने में अपना योगदान दिया, उसी को याद करते हुए कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश और मणिपुर की दो राज्यों की संस्कृति का आदान प्रदान और कला दल का आदान प्रदान यहाँ हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिस प्रकार से विविधताओं में हमारी एकता रहती है, वो आज संस्कृत देखने को मिली। गांधी जी जो महात्मा गांधी बने, वो छोटे छोटे कामों को लेकर बने, जिस प्रकार स्वच्छता हुआ, स्वयं करना, स्वरोजगार, महिलाओं को आगे बढ़ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। गांधी जी ने छोटी छोटी बातें कही और उसके कारण ही गांधी जी महात्मा गांधी बने। मुझे लगता है आज की प्राथमिकता ये है कि हम भी जो छोटे छोटे देश में जो काम कर सकते हैं वो करना चाहिए, और देश को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें अपनी भी सहभागिता निभाना चाहिए। सांसद जी, एक अभी चर्चा जोरों पर है, कांग्रेस के जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी कह रहे हैं कि भाई सांसद ने अभी एक साल में दिया क्या है देपालपुर में, क्या कहना चाहेंगे बता? देखिए, देपालपुर में जो आवश्यक है किसानों को लेके हम जो बातें हैं, केंद्र सरकार ने जो किसानों की जो सम्मान निधि है वो प्रदेश सरकार ने सूची दे दी थी, लेकिन हमने फिर भी उसके बाद ऑनलाइन हम सब रिकॉर्ड लिए और वो सूची लेके वो करा। यहाँ पर किस प्रकार से 2 ट्रेनें रोकने की बात हमने केंद्र सरकार से की, जो गौतमपुरा के आसपास जो रोकने के लिए बात कही गई थी उसकी भी बात की, और यहाँ पर रोजगार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की बात चल रही है। मुझे लगता है जल्दी उसमें निर्णय हो जाएगा। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।